आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अधिगम लाइव में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रीट परीक्षा में होने वाले बदलाव को लेके। तो देखिए, आपको सामने स्क्रीन पर एक खबर दिख रही होगी कि रीट परीक्षा के पैटर्न में हो सकता है बदलाव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों, पैटर्न में बदलाव होने की संभावना केवल 1% है, यानी 1% है। 99% पैटर्न आपका वही रहेगा। तो यदि आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप पुराने पैटर्न से ही तैयारी करें, नए पैटर्न का वेट ना करें, क्योंकि नए पैटर्न का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कम से कम 10-15 दिन पीछे हो जाएगी, क्योंकि नए पैटर्न की जानकारी आपको बच्चों दिवाली के बाद मिलेगी। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि हम पैटर्न में क्या चेंजेस हो सकता है। देखिए, प्राइमरी में बाल विकास हुआ, हिंदी शिक्षण हुआ, अंग्रेजी शिक्षण हुआ, या किसी भी प्रकार का भाषा का शिक्षण है या गणित है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पर्यावरण में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप नाम मात्र का मान चलिए, प्राइमरी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। अगर परिवर्तन होने की संभावना है तो वो जूनियर वर्ग में है, वो भी एसएसटी में। एसएसटी में देखिए, जो राजस्थान का थोड़ा सा भूगोल है जो अपडेट हुआ है, जो वहाँ के राज्य हैं, जो तहसील हैं, बस वो अपडेट हो सकता है। बाकी बेटा किसी भी प्रकार की कोई अपडेट होने की संभावना नहीं है। तो आप पुराने पैटर्न से ही तैयारी करिए। जो कुछ नया थोड़ा सा अपडेट होगा वो हम आपको आगे